जो माउंटेन के बीच में पूरी मनाली बसी हुई है पूरी, और हम ओल्ड मनाली रूट से जा रहे हैं और उस तरफ है न्यू मनाली रूट। समय 9:15 बज चुके हैं और हम बहुत लेट हो चुके हैं एज़ यूज़ुअल, क्योंकि बारिश हो रही है और हमने सामान पैक करने में बहुत पन्नी लगानी पड़ी है और पूरा सामान अनलोड करके फिर दोबारा लगाया। तो इस समय हम हैं अमित फोगट भाई के घर पे, जो कि है अपना चंडीगढ़ के पास, और मैं मिलवा देता हूँ अपने दोस्तों से जो मेरे साथ जा रहे हैं। ये है मिस्टर अमित यादव जी, शक्ल दिखा दे। हाँ शक्ल देखेंगे ना। हाँ ये देख लो जी, शक्ल देख लो भाई की। और ये हमारे खतरनाक राइडर अमित जी। हाय ब्रो। अमित भाई हैं एडवेंचर वाले, और डॉक्टर ड्रोन एडवेंचर, डॉक्टर ड्रोन एडवेंचर इनका यूट्यूब चैनल है, आप उनको ज़रूर देखना। और ये भाई यशराज हमारे को राइडर हैं, अपना तीसरे राइडर जो हमारे साथ जा रहे हैं, डोमिनार चला रहे हैं वो भाई हमारी। हाँ क्या स्टैंडर्ड 500 चला रहे हैं। तो हम तीन बाइकें हैं हमारे। हाँ मेरे बेटा ने। तो वेदर अपडेट ये है कि बारिश हल्की शुरू हो चुकी है और हमने रेनकोट पहन लिया है, नीचे का मेरा है नहीं पैंट, रेन पैंट, देखते हैं भीगते जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, पैकिंग हो चुकी है, फिर बारिश तेज़ हो गई है। चलो वी आर रेडी टू राइड। हम हैं जीरकपुर में अमित फोगट भाई के फ्लैट पे जो कि 6th फ्लोर पे है, और ये हमारी बाइक्स रेडी हैं राइड के लिए, और बारिश आ रही है। मेन अपडेट यह है बारिश आ रही है, और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगा नहीं बारिश में, देखते हैं थोड़ा सा बाहर निकल के मैं बंद कर दूँगा, क्योंकि ये हमारे कैमरे वाटरप्रूफ तो है नहीं, अगर इस पे सारा जो व्लॉगिंग सेटअप लगा होता वो वाटरप्रूफ नहीं होता तो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस है। तो यहीं तक मैं रिकॉर्ड करूँगा, इसके आगे बंद कर दूँगा, ये बारिश चल रही है। चलें अमित भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ आगे से वही सेम रास्ता है ना। और ये हमारे अमित यादव जी जो कि स्टैंडर्ड 500 चला रहे हैं, और हमारे यशराज भाई जो कि डोमिनार अपर ग्रेड वाली यूजी। चलो जय शंकर की जय, भोले कर दे बेड़ा पार, रहम रखियो सभी पे। तो गाइस हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे, अपनी राइड पे जो कि जंस्कार एक्सट्रीम राइड 2021 है, और देखते हैं आज हम कहां तक पहुंचते हैं। एटलीस्ट मनाली तो हम पहुंचेंगे ही। तो जीरकपुर का हमने पूरा क्रॉस कर दिया है, तो 20-25 मिनट लग गए हमें, और बाइक काफ़ी स्लो चल रही है क्योंकि पानी भरा हुआ है हर जगह। तो लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि थोड़ी भीनी भीनी बारिश हो रही है और हम राइड कर रहे हैं, और रेन कोट पहन रखा है, लेकिन नीचे पैंट रेन पैंट नहीं है मेरे पास। तो अभी इस फ्लाई ओवर पर हमने जाना है और इसके बाद हम सीधे निकल जाएंगे। तो गाइस अभी ये सामने जो रूट जा रहा है ये शिमला को दिखा रहा है, शिमला यहाँ से भी 90 किलोमीटर है, और लेफ्ट को हम निकलते हैं तो बद्दी की तरफ और मनाली की तरफ चले जाते हैं। तो हमने लेफ्ट को जाना है, बद्दी है। हमारे बंदे आगे क्या देखते हैं, बंदे कहाँ रह गए, हमारे पीछे रह गए। तो वो यूँ कि अभी भाई आगे निकल गए थे सीधा शिमला वाले रूट पे, तो मैं वापस दौड़ा इनके पीछे पीछे, 1 किलोमीटर तक मुझे चेज़ करना पड़ा। तो वहाँ पे फिर मैं इनको बता के वापसी लाया हूँ, 1 किलोमीटर वापसी, मतलब कि 1 किलोमीटर आना है 1 किलोमीटर जाना है, कि 2 परेड होगी हमारी। अभी थोड़ा सा पीछे गैप रह जाए तो वो यही दिक्कत होती है थोड़ी। मैं थोड़ा रुक भी गया था कॉर्नर पे, लेकिन फिर भी इन्होंने देखा नहीं, वो सीधे निकल गए। चलो अब हम पहुंच गए हैं बद्दी वाले रोड पे। तो गाइस वी आर रीच्ड इन नालागढ़, बद्दी के बाद नालागढ़ जो है वहाँ पे पहुंच गए हैं, और हमने अब सीधा जाना है आई थिंक, ये तो लेफ्ट को अमृतसर वगैरह निकल जाता, लुधियाना
और हमें सीधा जाना है। हेलो, पार करके ये जो मनाली का बोर्ड आया है, मनाली बिलासपुर आगे लिखा हुआ है। किधर किधर आगे? अच्छा, और बंटी भाजी हाँ लेट हो गए, काफी काफी लेट हो गए। हाँ हाँ नहीं, मैं पहले कहा था, मैं कहा पंचकूले ही ले लेना, मैं वहाँ हम आराम से रुकेंगे। हाँ, कल बारिश आ रही थी इस वजह से काफ़ी लेट पहुँचे, फिर सुबह फिर वही लेट होता ही गए फिर। हाँ, थे नालागढ़ में और बंटी भाई को हमने कर दिया है बाय बाय। मैंने कुछ सामान डिलीवर करना था जो कि कनाडा से आया था, मिस्टर अभिषेक ने भेजा था। तो मिस्टर अभिषेक की मोम ने हमारे लिए काफ़ी कुछ खाने पीने का भेजा है एक पैकेट में, बहुत बहुत थैंक यू है। उनको पता चला कि हम टूर पे जा रहे हैं तो उन्होंने भेजा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे। तो गाइज, ये जो रूट है वो है चंडीगढ़ बद्दी मनाली हाईवे और ये सुंदरनगर को जाके टच करेगा। अभी तक का जो सफ़र है और हमारी जो जर्नी है बहुत ही शानदार रही और बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है इस समय, लेकिन यहाँ पर स्पीड ज़्यादा नहीं बन रही क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर पर विलेज को क्रॉस करना पड़ रहा है तो बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है। तो हम सीधे अभी सुंदरनगर निकलेंगे। तो गाइस, ये व्यू देखिए, मैं व्यू के लिए रुका हूँ। ये हम ऊपर अब माउंटेन के ऊपर चढ़ गए हैं और नीचे पूरा प्लेन्स है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। ये छोटे छोटे मकान, बीच बीच में मकान है। तो अभी हम बिलासपुर की तरफ जा रहे हैं और बिलासपुर लगभग पीछे जो बोर्ड देखा था हमने, लगभग उस टाइम 59 किलोमीटर दिखा रहा था, अब उसके बाद हम लगभग 20 किलोमीटर आ चुके हैं, चल चुके हैं। तो दोस्तों, अभी हम हैं मंडी से 5 किलोमीटर पहले। तो मेरा कुछ बोल्ट गिर गया बाइक का, तो उसके लिए मैं अभी रुका हूँ यहाँ पे बजाज के शोरूम में, बोर्ड लगवा के चलेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। अभी दिल्ली से आए आपकी? मैं अभी चंडीगढ़ रुके थे जीरकपुर में रात को, कल वहाँ रुके थे, फिर वहाँ से चले थे सुबह 8 बजे। आप यहाँ पे सर्विस करते हैं? यस सर। क्या काम? सुपरवाइजर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वाओ, ब्यूटीफुल व्यू देखिए, कितना खूबसूरत व्यू है यार, और आगे जाम लगा हुआ है। पिछले आधे घंटे से खड़े हैं यहाँ पे और ये देखिए सामने ऊपर से पत्थर तोड़ तोड़ के नीचे फेंके जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ सफाई हो रही है अभी। तो समय जो हुआ है वो 3:15 हो चुके हैं और भूख जोरों से लगी है, पता नहीं ये जल्दी जाम खत्म हो तो आगे जो भी हमें रेस्टोरेंट या होटल मिलेगा तो हम अपनी पेट पूजा करेंगे, लंच करेंगे। तो गए होटल आशा दीप में, अभी हमने लंच फिनिश किया है और लगभग 4 बजने वाले हैं और हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे। तो गाइस, आज का जो डेस्टिनेशन है, हमने मनाली में स्टे नहीं करना है, हम आगे निकल जाएंगे मनाली से और कहीं किलोंग के आसपास रुकेंगे और होपफुली किलोंग रुकने का हमारा विचार है। कल के लिए हमारा इजी हो जाएगा फिर, अगर किलोंग हम पहुंच जाते हैं आज। और ये देखिए खूबसूरत मनाली की तरफ बढ़ते हुए हम, और व्यू बहुत ही प्यारा यार। ओ, ऊपर पहाड़ों पे बादल आए हुए हैं। गाइस, हम पहुंच चुके हैं मनाली में और हम पी रहे हैं कॉफ़ी। ये देखिए हमारे सारे भाई लोग, अमित भाई और यशराज भाई, ये मैंगो फ्रूटी पी रहे हैं, माजा पी रहे हैं और हम पी रहे हैं कॉफ़ी। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम ये है कि हमने जाना है किलोंग में और किलोंग का जो डिस्टेंस गूगल भाई दिखा रहे हैं वो 2 आवर्स का है, तो 77 किलोमीटर समथिंग है। तो अभी अटल टनल से होके गुजरेंगे हम। तो 2020 में जब अटल टनल खुली थी, 4 अक्टूबर को खुली थी और 7 अक्टूबर को मैंने क्रॉस कर दी थी, तो सेकेंड टाइम मैं अभी जाऊँगा।
अटल टनल के अंदर से। अभी हमने कॉफ़ी पी थी, आपने अभी देखा कि, और अब हम अपना अगला जो डेस्टिनेशन है किलोंग के लिए चल पड़े हैं। कितनी भीड़ है इस टाइम मनाली में। अटल टनल यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है और किलोंग है 48, डारचा 78। तो सिर्फ 2 किलोमीटर बाद अटल टनल शुरू हो जाएगी और सेकंड टाइम मैं इस अटल टनल में जाऊंगा, लेकिन मनाली से फर्स्ट टाइम जा रहा हूं। और पिछली बार मैं सिसु से एंटर किया था, इस बार मनाली से एंटर कर रहा हूं, मनाली वाली साइड से। और ये 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल है और अंधेरा हो चुका है, 8:18 हो चुके हैं। अभी हमारी राइड है 1 hour 12 minutes की, अगर नहीं रुकेंगे तो। तो गाइस हम अटल टनल में एंटर कर रहे हैं, ये है गेट अटल टनल का और ये बहुत ही ब्यूटीफुल अटल टनल जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है, 10,000 feet के अबव, नंबर 1 लॉन्गेस्ट टनल, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लास्ट अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में ही इसका उद्घाटन किया था। फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग आ गई है, बाप रे बड़ी वाटर क्रॉसिंग है यहाँ तो, खतरनाक वाटर क्रॉसिंग। पहुँच चुके हैं टांडी में जो कि आखिरी फ्यूल स्टेशन है इंडियन ऑयल का। तो यहाँ पे हम अब अपनी बाइक को फुल करा देते हैं। तेरी तो कितने बजे तक खुला होता है ये? 10 बजे तक रात। बस 6 किलोमीटर है, 6 है फुल। तो गाइस हमारा होटल है होटल चंद्रभागा किलोंग और ये है ठांडी का फ्यूल स्टेशन। 16 मिनट की राइड हो रहा है हमारी, अभी 16 मिनट के बाद हम पहुंच जाएंगे अपने होटल में। 9:42 हो चुके हैं तो लगभग 10 बजे करेक्ट पहुंच जाएंगे हम। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना किलोंग में और ये है चंद्रभागा होटल जो हिमाचल टूरिज्म का है। तो अभी हम कर रहे हैं डिनर, तो अमित भाई तो शुरू भी हो गए और अपना यश भाई भी लगे हुए हैं, तो हम भी शुरू करते हैं। भूख बहुत तेज लगी हुई है, 10:20 हो चुके हैं। 10 बजे हम पूरे एंटर कर दिया था हमने यहाँ पे होटल के अंदर, अपना लगेज रख दिया ऊपर। और अब आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी डिनर करके सो जाएंगे और सुबह हम निकलेंगे 8 या 9 बजे, मैक्सिमम 9 बजे, नहीं तो 8 बजे कोशिश करेंगे। तो कल का प्रोग्राम है, कल हम जाएंगे पुणे। एट लास्ट, राइड हार्ड राइड सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद।